सभी किसान भाइयों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि किसान भाइयों, आज 1 जनवरी 2024 की शुरुआत हो चुकी है। नए साल में किसान भाइयों, आपको कुछ ऐसे खास तरीके अपनाना है आलू की फसल में, जिससे आपकी पैदावार ज़्यादा बढ़े। उसे किसान भाइयों, आप आलू की फसल जब 60 से 65 दिन के आसपास हो चुकी होती है, जैसा किसान भाइयों हमारा ये प्लाट देख रहे हैं, आलू की फसल लगी हुई है और ये 65 दिन के आसपास हो चुकी है। 65 दिन की आसपास जब आलू की फसल हो जाती है तो वहाँ पर आलू के कंद काफ़ी अच्छे से बड़े होना शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए किसान भाई यहाँ पर तीसरा स्प्रे करने की जरूरत होती है, और तीसरा स्प्रे में किसान भाइयों आपको यहाँ पर डालना है PGR, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। तो यहाँ पर आप डालने की आवश्यकता होती है कौन सा PGR डालें जिससे आलू की फसल से अच्छी पैदावार मिल सके। तो वीडियो पे बने रहिए, सभी किसानों को अच्छी जानकारी यहाँ पर मिलने वाली है। जब हमारी आलू की फसल 60 से 65 दिन के आसपास हो जाती है तो वहाँ पर देखते हैं कि आलू की ग्रोथ जो होनी चाहिए वो काफ़ी अच्छी हो चुकी होती है। उस समय किसान भाइयों लगभग आपने 5 से 6 पानी आप लगा देते हैं। जब आलू की फसल 60 से 65 दिन के आसपास पहुँच जाती है, उस समय लगभग 5 से 6 पानी लग चुके होते हैं। उस समय किसान भाइयों आपको PGR डालने की आवश्यकता होती है। उस समय कौन सी PGR डालें, मार्केट में तो बहुत सारे PGR अवेलेबल हैं, तो हम अगली वीडियो में बताएंगे कौन सा यहां पर PGR डालने की आवश्यकता है, जिससे आपके आलू के जो कंद हैं, छोटे छोटे कंद हैं, वो बड़े हों और काफ़ी अच्छी उसमें शाइनिंग हो। काफ़ी अच्छे जो छोटे छोटे बहुत से छोटे छोटे कंद हैं उनको बढ़ाने के लिए कौन सा PGR यूज करना चाहिए, तो उसी वीडियो में